हेलो स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जर्नल जो है पूरी अकाउंटिंग का बेस है। जिस स्टूडेंट को ट्रांजैक्शन पढ़ते ही जर्नल में एंट्री करनी आ जाती है, इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम के जो बेसिक रूल्स हैं वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। इसका मतलब वो जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं अकाउंटिंग के, उनको इम्प्लीमेंट करना उस स्टूडेंट को आ गया, क्योंकि जो भी हमें सोचना होता है, डिसाइड करना होता है, वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हुए ही करना होता है। बाकी सब चैप्टर वो जर्नल पे बेस्ड होते हैं। जो कुछ भी हमने जर्नल एंट्रीज बनाई होती हैं उनको देख के ही हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो जर्नल से होती है। और जो कुछ भी सोचना है बेसिक रूल्स के बारे में, वो जर्नल एंट्रीज बनाते हुए ही सोचना है। बाकी सब तो जो जर्नल में बना दिया उसको देख के ही आगे करना है। और अकाउंटिंग का हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड होता है। जिस स्टूडेंट को जर्नल नहीं आती वो लेजर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और लेजर नहीं आएगी तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस की समझ नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना पाएंगे। तो हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड है और वो जो कनेक्शन है वो स्टार्ट जर्नल से होता है। और जर्नल के फंडा अगर क्लियर है, बेसिक रूल्स स्टूडेंट को क्लियर है, तो अगले चैप्टर्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो उनको आपने ध्यान से करना है। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए थे और मैंने कहा था कि इनकी खुद जर्नल एंट्री बनाना, खुद ट्राई करना प्रॉपर वे में। जर्नल का क्या फॉर्मेट है, उसमें कौन से कॉलम्स होते हैं, ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल में नोट डाउन किया जाता है, वो सब हम लास्ट वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। एक दो आप क्वेश्चंस खुद भी निकाल चुके हैं। अब जर्नल में ही थोड़ी हम आगे की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़। कंपाउंड मतलब जब हम टू या मोर देन टू एंट्रीज़ को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो कंपाउंड जर्नल एंट्री हो जाती है। लेकिन कौन सी एंट्रीज़ कंपाउंड हो सकती हैं, उसके लिए कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि जिन भी एंट्रीज़ को हमें कंपाउंड करना है वो एक ही डेट को होनी चाहिए और उन सब ट्रांजेक्शन में कोई एक अकाउंट कॉमन होना चाहिए और वो कॉमन भी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लिया सब एंट्रीज़ में अगर एक ही अकाउंट कॉमन है और वो अकाउंट हर एंट्री में डेबिट है, तो हर एंट्री में डेबिट है तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को कंपाउंड कर पाएंगे। इसी तरह एक ही डेट को डिफरेंट ट्रांजेक्शन है जिनमें कोई अकाउंट कॉमन है और वो हर ट्रांजेक्शन में वो क्रेडिट है, वो अकाउंट, वो जो कॉमन अकाउंट है वो हर एंट्री में क्रेडिट है, तो हम उसको कंपाउंड कर सकते हैं। तो कैसे कंपाउंड होता है वो देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। मान लिया आज 31 मार्च को हमने 50,000 सैलरी पे की। हमें पता है जब हम सैलरी पे करते हैं तो एंट्री बनती है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद फिर एक और ट्रांजेक्शन 31 मार्च को ही 20,000 का हमने रेंट पे किया। अब हमें पता है जब हम रेंट पे करते हैं तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम इन दोनों एंट्रीज़ को देखें तो ये दोनों एंट्रीज 31 मार्च को हुई हैं और इन दोनों एंट्रीज़ में कैश अकाउंट कॉमन है दोनों में, और दोनों ही एंट्रीज़ में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम इन दोनों एंट्रीज़ को कंपाउंड कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। बजाय इसके कि दो अलग अलग एंट्रीज़ हम बनाएं, हम एक ही एंट्री बना सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों एंट्रीज़ को इकट्ठा करें और एक ही एंट्री बनाएं तो वह एंट्री क्या होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक ही बार टू कैश कर देंगे और सैलरी डेबिट है 50,000 से, रेंट डेबिट है 20,000 से, तो कैश टोटल इकट्ठा 70,000 से क्रेडिट हो जाएगा। बजाय इसके रेंट टू कैश 50-50, रेंट टू कैश 20-20, तो हम एक ही बार कैश को क्रेडिट कर देंगे 70,000 से। तो एंट्री कंपाउंड एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। हम वो दो अलग अलग एंट्रीज भी बना सकते हैं और दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा करने के लिए शर्त आपको क्लियर होनी चाहिए, एक ही डेट को ट्रांजेक्शन्स हो और उन सब ट्रांजेक्शन में कोई एक अकाउंट कॉमन हो और वो कॉमन भी एक ही डायरेक्शन में हो, या तो वो सब ट्रांजेक्शन में वो कॉमन अकाउंट डेबिट हो रहा हो या वो सभी ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हो रहा हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में कैश अकाउंट दोनों ही ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हो रहा था तो हमने इकट्ठा ही क्रेडिट कर दिया। इसी तरह और एग्जांपल भी हो सकते हैं। मान लिया हमें कमीशन रिसीव हुआ, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन,
सपोज उसी डेट को एक और ट्रांजेक्शन हुई, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो अगर हमें इन दोनों को इकट्ठा करना हो तो दोनों एंट्रीज में कैश अकाउंट कॉमन है और दोनों एंट्रीज में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम एंट्री बना सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट से टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, हम उनको क्रेडिट कर दें। दैट विल आल्सो बी कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, क्योंकि दोनों में कैश अकाउंट कॉमन है और दोनों एंट्रीज में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हमने इकट्ठा कर दिया दोनों एंट्रीज़ को, तो दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंट्रीज़ कंपाउंड भी हो सकती हैं, चाहे हम उनको सेपरेट बनाएं चाहे उनको इकट्ठा करें, बात एक ही होती है। तो क्लियर है ये कंपाउंड एंट्री, आई थिंक कि वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे हम एंट्रीज़ को कंपाउंड करते हैं। अभी कमिंग वीडियोज़ में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनमें इस तरह की ट्रांजेक्शन आएंगी जहां कोई एक अकाउंट कॉमन होगा सभी ट्रांजेक्शन में और वो सिंगल डेट को हो रही होंगी, जहां हमें उनको कंपाउंड करना पड़ सकता है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कंपाउंड किस तरह से एंट्रीज होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।